सब्सक्राइब कीजिए आवर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को शायद मालूम होगा कि अमेज़न से मैंने कुछ दिन पहले कुछ आइटम ऑर्डर किया था लॉकडाउन के ही अंदर, जब अमेज़न ओपन हुआ था। तो पहली बात तो एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये जो ट्राईपॉड है, ये ट्राईपॉड इन्होंने अभी तक डिस्पैच नहीं किया। कितना दिन हो गया, 4 मई को मैं ऑर्डर किया और आज 10 तारीख हो गया है, मतलब 6 दिन हो गए लेकिन अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ। शायद ये डिस्पैच भी नहीं होगा, इसका शायद जो पैसा है वो रिफंड कर देगा ये लोग। लेकिन दो चीज़ें निकल गया है, एक तो है हमारा बोया का माइक, M1 मॉडल है इसका, तो ये आज ही डिलीवर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अराइविंग टुडे, और ये निकलने के बाद शायद मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये जो आ रहा है ना, ठीक है, बोया का M1 माइक ये आ रहा है। पहली बात तो यहाँ पे कहाँ से शिफ्ट हुआ है वो बताया नहीं, लेकिन मेरे को लगता है ये शिफ्ट हुआ है बाहर से। लेकिन यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल, मतलब हम तो वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से निकला। अगर कोलकाता से भी आता है तो भी डरने की वाली बात है, क्योंकि उधर पे कोरोना वायरस का केस बहुत है, और मुझे तो ये मतलब पैकेट खोलने में ही डर लग रहा है जब आएगा। और ये कह रहा है कि फ्राइडे को मुझे मिल जाएगा, मतलब 15 तारीख को, और ये तो और भी डेंजरस जगह से आ रहा है, महाराष्ट्र, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पे कोरोना वायरस का केस है। दोस्तों मेरे ख्याल से आप सभी को अभी तो ऑर्डर करना शायद सही नहीं होगा, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो आप इतना सोच लीजिए कि सीधा हॉस्पिटल के बेड या फिर एकदम ऊपर, क्या करें भाई, ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या फिर डिनाई कर दे, समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में आपके लिए एक और खुशखबरी है, मैं जो जोटा की तरफ से आने वाला GT 1030 का ग्राफिक्स कार्ड है उसका अनबॉक्सिंग किया है और थोड़ा रिव्यू दिया है, वो मैंने आज अपलोड कर दिया है यूट्यूब में, आप ज़रूर से जाकर उसको विजिट कीजिए, देखिए उसको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, बोया का अगर मैं माइक एक्सेप्ट करता हूँ तो आपको ज़रूर से अनबॉक्सिंग और उसका जो रिव्यू दूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।